सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और पाइए एजुकेशन वीडियोस डेली फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। हम पेश कर रहे हैं आज आपके सामने पार्ट नंबर 20 राजनीति विज्ञान का वन लाइनर के अंदर। ये 20वां भाग है मेरे दोस्तों, धीरे धीरे करके हमने, ठीक है, आज हम 400 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे ये आशा है कि इन 400 प्रश्न जो हमने कंप्लीट किए ना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को भी मिलेंगे और आप उनको सही भी करेंगे। तब जाके यहाँ पे धन्यवाद मत लिखना, उनको सही कर देना, बस इतना ही बहुत है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 386 से शुरू करूंगा और आज आपको लेके चलूंगा क्वेश्चन नंबर 400 तक, ठीक है। तो 400 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 386 देखिए। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन थे? तो इनमें है जी मॉस्का, परेटो, मिसेल और बर्नहम, ठीक है। ये विद्वान है जिन्होंने लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की बात कही। अब देखिए, जो ये लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है ना, ये इस बात का खंडन करता है कि सरकार जनता के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये कहता है कि सरकार जनता के द्वारा नहीं चलाई जाती, बल्कि एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा चलाई जाती है। और वो विशिष्ट वर्ग आज के दिनों में हमें अच्छे से पता है, जो भी नेताओं की जो पार्टी का विशिष्ट वर्ग होता है उसके द्वारा सरकार चलाई जाती है। हमारे यहाँ पे जनता थोड़ी चलाती है, जनता तो वोट डाल के हट जाती है। तो ठीक है, तो इस प्रकार लोकतंत्र का ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत दिया। नेक्स्ट देखिए 387, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत आधारित है किस पर? वर्ग संघर्ष पर, ठीक है। तो मार्क्सवाद का नाम आते ही वहां पे वर्ग संघर्ष हमें ध्यान में आ जाना चाहिए। तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी जो सिद्धांत है वो मार्क्स का ही है, वर्ग संघर्ष उसके सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्सवाद लोकतंत्र को एक शासन व्यवस्था के अलावा मूल्यों की एक व्यवस्था भी समझता है, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार यदि समाज की आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी है ना, तो लोकतंत्रीय सरकार भी पूंजीपतियों के हितों का समर्थन तथा संरक्षण करेगी, ठीक है। तो पूंजीवादी अगर व्यवस्था है तो लोकतांत्रिक जो सरकार है वो भी पूंजीवादियों का संरक्षण और उनकी सहायता करेगी। नेक्स्ट देखिए 388, किसके अनुसार सर्वहारा का वर्गतंत्र ही, ये वर्गतंत्र है, सर्वहारा का वर्गतंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है? लेनिन के अनुसार है जी कि सर्वहारा का वर्गतंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है। देखिए, क्योंकि लेनिन है ना, ऐसा मानता है कि संपत्ति पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, न कि थोड़े से पूंजीपतियों का। लेनिन ने ऐसे माना है कि संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होता है, सर्वहारा का, है ना, ना कि थोड़े से लोगों पर, लोगों का। नेक्स्ट देखिए 89, वर्तमान देशों में लोकतंत्र के कितने रूप मिलते हैं? मेरे भाई दो रूप मिलते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। कहीं पर प्रत्यक्ष मिलता है, तो प्रत्यक्ष का मतलब तो ये हो गया कि शासन सीधे जनता के द्वारा संचालित होता है, ओके। तो हमने स्विट्जरलैंड के बारे में ऐसा देखा। अप्रत्यक्ष, हमारे देश के अंदर हमने नेताओं को चुना, नेता शासन चला रहे हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण अभी हमने आपको बताया था, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां पे जनमत संग्रह की भी व्यवस्था है, वो भी हमने पढ़ी थी पॉलिटिकल साइंस के जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट करवाए थे। अब देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भारत में हमने अभी बताया आपको, अमेरिका में, फ्रांस में, कनाडा में, इन सभी देशों में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, शासन जनता नहीं करती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 392, भारत मतदान प्रणाली का आरंभ कब और कहाँ से हुआ? देखिए ये हुआ 1893 से बेल्जियम से। 1893 में बेल्जियम से भारत मतदान प्रणाली का आरंभ होता है। अब भारत मतदान प्रणाली देखिए, बेल्जियम में क्या हुआ, प्रत्येक नागरिक को जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और समुदाय में कम से कम एक वर्ष के लिए रह चुका हो उसे एक मत प्राप्त है। उसके अतिरिक्त 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले तथा जिसने राज्य को 5 फ्रैंक वहां की मुद्रा है टैक्स चुकाया हो उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त होता है। यही क्या है वहां पर, भारत मतदान। नेक्स्ट देखिए, खुले मतदान का समर्थन करते हैं कौन कौन? मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और मिल। मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और मिल क्या करते हैं? खुले मतदान का समर्थन करते हैं। मिल कहते हैं कि मतदान के कर्तव्य का पालन भी अन्य सार्वजनिक कर्तव्य की भांति जनता की आलोचना तथा देखरेख में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मतदान अनिवार्य कहां बनाया गया? बेल्जियम में, नीदरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए क्या हुआ यहां पर,
अनेक देश है जहां पर मतदान के प्रति बढ़ती उदासीनता, ठीक है, लोग उसके प्रति सुस्त पड़े रहते हैं, वहां पर चुनाव में मतदान को अनिवार्य बना दिया गया, जैसे बेल्जियम हुआ, नीदरलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ठीक है, और उदाहरण ले सकते हैं जैसे क्यूबा, ऑस्ट्रिया। इस देश में मतदान नहीं करने पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, आर्थिक दंड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 395। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? हेयर प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? हेयर प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहते हैं। देखिए इस प्रणाली को सबसे पहले की बात कर रहा हूं, 1851 में, 1851 में नॉर्वे के थॉमस हेयर ने, ठीक है, उनकी एक पुस्तक थी द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर उन्होंने प्रकाशित किया था। और 1855 में, 1855 में डेनमार्क के मंत्री थे एंड्रे, उन्होंने अपने देश में लागू किया, इसलिए इसे एंड्रे प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, हेयर प्रणाली तो कहते ही हैं बल्कि एंड्रे प्रणाली भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 396। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में एक न्यूनतम कोटा, एक मत का न्यूनतम कोटा कैसे निकाला जाता है? कुल वैध मत बटा में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस वन, ये फॉर्मूला है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में न्यूनतम कोटा निकालने का, मत का। देखिए जो ये इस प्रणाली के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन में एक न्यूनतम कोटा निकाला जाता है, और इस न्यूनतम कोटे के बराबर जितने प्रत्याशियों को मत मिल जाते हैं वे चुनाव में विजयी घोषित किए जाते हैं। और न्यूनतम मत निकालने का कोटा के सूत्र हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली पर होता है? फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव होता है भाई द्वितीय मत प्रणाली के आधार पर। अब ये द्वितीय मत प्रणाली है क्या? देखिए इस प्रणाली के अनुसार क्या होता है, कोई भी जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें उसी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है जिसने डाले गए मतों से 50%, 50% अधिक मत प्राप्त किए हैं। यदि किसी प्रत्याशी को डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रथम दो उम्मीदवारों के बीच दोबारा चुनाव कराया जाता है, और जिस उम्मीदवार को ज्यादा मत मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो फ्रांस के अंदर ऐसा होता है। कहां पे होता है? फ्रांस में। नेक्स्ट देखिए, 98। संचित मतदान प्रणाली को कहते हैं क्या? प्लंपिंग प्रणाली भी कहते हैं। संचित मतदान प्रणाली को प्लंपिंग मतदान प्रणाली भी कहते हैं। देखिए इस प्रणाली में क्या होता है कि मतदाता उतने ही मत डालने की स्वीकृति होती है मतदाता को जितने प्रतिनिधि किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाते हैं। मतदाता को यह भी आज्ञा होती है कि वह चाहे तो एक अकेले उम्मीदवार को अपने सारे मत दे दे या फिर अपनी इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न उम्मीदवारों को बांट दे। तो इस मतदान प्रणाली को प्लंपिंग मतदान प्रणाली भी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, 399। मताधिकार के प्राकृतिक सिद्धांतों का समर्थन किस किस ने किया? जी मॉन्टेस्क्यू, थॉमस पेन और रूसो ने। ठीक है, तो मताधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत में क्या होता है? इनके अनुसार लोगों भाई मत देने का अधिकार स्वाभाविक है और यह अधिकार मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या है? मताधिकार का प्राकृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 400 नंबर का, मतलब 400वां प्रश्न। उदारवाद अंग्रेजी के कौन से शब्द से बना? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म लैटिन भाषा के लेबर से बना और लेबर का अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है, ये प्रश्न भी है जिसमें हमने आपको आंसर भी बता दिया कि उदारवाद, लिबरलिज्म अंग्रेजी से, अंग्रेजी के शब्द का अर्थ है, जो लैबर से बना लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो नोट में इतना ही। दोस्तों मैं वीडियो नोट नहीं डाल पा रहा, परिवार में कोई अस्पताल में एडमिट है, 10 तारीख से ये परेशानी चल रही है, उसी वजह से मैं 3-4 दिन पहले भी नहीं डाल पाया। फिर भी मैं समय निकाल कर अपने मानसिक स्थिति को स्थिर कर कर आपके लिए वीडियो नोट बना रहा हूँ। इस वीडियो नोट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जब भी समय मिलेगा मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो नोट लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।